हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम बिजी में आगे करेंगे, जिसमें मैं आपको मास्टर्स क्रिएट करना बताऊंगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मास्टर्स हमारे पास कुछ बने हुए थे और कुछ हमें बनाने होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट 2 अवेलेबल हो चुका है। लास्ट आपने मॉक टेस्ट 1 दिया होगा। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो GST एंड TDS से रिलेटेड सेकंड मॉक टेस्ट अवेलेबल वेबसाइट पे हो चुका है। आप वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड अपने मार्क्स देख सकते हैं। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं टैली की, क्विक बुक्स की, एडवांस एक्सेल, GST, प्रोफेशनल GST, इनकम टैक्स क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉल पे जो नंबर है वो आपको नीचे मेंशन हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने कंपनी ओपन नहीं की है, सिर्फ मैंने बिजी सॉफ्टवेयर ओपन किया है और ये मेरा डेमो कॉपी में आ रहा है क्योंकि मैं अभी डेमो वर्जन यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की थी RJ लर्निंग एकेडमी के नाम से, जो कि मेरी लर्निंग एकेडमी है। मैंने उसी नाम से कंपनी क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगी। तो ओपन करते टाइम यहाँ पे मैं ओपन कंपनी पे एंटर प्रेस करूँगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप एंटर करेंगे ओपन कंपनी पे तो यहाँ आपके पास कंपनी नेम मेंशन होगा जो आपने कंपनी बनाई होगी। यहाँ पे मैंने अपना RJ लर्निंग एकेडमी पे एंटर किया है, तो ये मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जैसा कि जब मैंने कंपनी क्रिएट की थी तो मैंने वहाँ पर सुपर यूज़र नेम भी दिया था, तो वो मैंने दिया था एडमिन। यहाँ पे मैंने एडमिन लिया एंड पासवर्ड दे दिया 123 एंड इसको ओके करके ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो कंपनी है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको शो कर रही है, हमारा GST नंबर शो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल्स आपकी कंपनी की शो करेंगी। उसके बाद अब हमें मास्टर्स क्रिएट करने हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स एंड इन्वेंट्री मास्टर्स दोनों ही बनाना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मास्टर्स पे एंटर करते हैं। मास्टर्स में आपने अकाउंट्स पे आना है। अकाउंट्स पे जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको न्यू लेजर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने अपने कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेजर्स इनके क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक पार्टी क्रिएट किया है, नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी। ये जो पार्टी है ये मेरी सप्लायर होगी, तो मैंने इसको क्रेडिट किया है एंड प्रिंट नेम में भी मेरे पास आ रहा है। ग्रुप आप इसको क्या देंगे, ग्रुप देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप दे देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मैं इसको क्रेडिटर ले रही हूँ, मेरे सप्लायर्स ले रही हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस है जो आपने इनको पे करना होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस कोई है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस, जो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस है वो आपका सेम ही रहेगा, जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा वही प्रीवियस ईयर का भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस रहेगा, तो वो दोनों आपके सेम आएंगे। अगर आप यहाँ पे लेते हो कि आपने 10,000 रुपीज़ नेशनल ट्रेडर्स को पे करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस भी आपका 10,000 ही शो करेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं ले रहे, मैं एकदम फ्रेश कंपनी बना रही हूँ, मुझे कुछ भी अभी पे नहीं करना है। जब मैं कुछ गुड्स परचेज करूँगी तो उस केस में मैं पे करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस देना चाहते हो, यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आप देंगे, स्टेट, पॉइंट ऑफ सप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ सप्लाई ही मेंशन करेगी, आपको बताएगी कि GST कौन सा एप्लीकेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पार्टी नेम। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टी की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कैसी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर, जो पार्टी है जो आप बना रहे हैं वो रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिशन है या UIN होल्डर है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, अभी रजिस्टर्ड ले लो, अनरजिस्टर्ड ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो अभी के लिए हम इस पार्टी को
अनरजिस्टर्ड नहीं रजिस्टर्ड ही बनाते हैं। एंड यहाँ पे फिलिंग फ्रिक्वेंटली आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं जो रजिस्टर्ड डीलर के साथ है, तो आप यहाँ पे मंथली ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे GST नंबर आपको देना होगा, जो भी पार्टी का आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं उनका आपको GST नंबर यहाँ देना होगा। तो यहाँ पे हम उनका GST नंबर लेंगे, अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक कर रही हूँ। जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको GST नंबर बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे GST नंबर आपको वैलिड लिखना होगा। ओके, तो अभी के लिए वैसे हम लिख देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंटर मैंने प्रेस किया, तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया, GST नंबर मैंने दिल्ली का वही सेम लिख दिया, जो कि मैंने वही सेम GST नंबर लिख दिया जो GST नंबर मेरे पास कंपनी में मैंने अपनी दिया था। जब मैंने अपनी कंपनी क्रिएट की थी तब जो मैंने GST नंबर दिया था वही सेम GST नंबर मैंने यहाँ पे अपने सप्लायर के लिए दे दिया है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ गया है कि GST इज़ सेम एज़ कंपनी GST, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। इन केस अगर आप कई बार ऐसा कर देते हैं कि अपना ही GST नंबर आप यहाँ पे दे देते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे GST नंबर की वार्निंग मिल जाएगी कि आपने सेम GST नंबर दे दिया है अपना वाला, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका GST नंबर और इनका GST नंबर सेम हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको GST नंबर दूसरा लिखना पड़ेगा। तो जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो मैं यहाँ पे GST नंबर चेंज कर दूंगी और वो वैलिड लिखूंगी। ओके, तो अभी के लिए हम इसको एंटर करते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी जो सप्लायर की डिटेल्स होंगी, आधार नंबर, टिन वार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स आप यहाँ से देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, अगर आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करना चाहते हो, हर एक रेफरेंस वाइज डिटेल रखना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को आप येस करते हो। उसके बाद क्रेडिट डेज फॉर सेल, यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर सेल और क्रेडिट डेज फॉर परचेज, अगर आप क्रेडिट डेज सेट करना चाहते हो, मान लीजिए आप एक पार्टी है, एक सप्लायर है जो आपका सप्लायर भी है और कस्टमर भी है, आप उससे सेल भी करते हैं और उसको उससे परचेज भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं, तो उस केस में क्रेडिट डेज फॉर सेल आप यहाँ पे दे देते हैं एंड क्रेडिट डेज फॉर परचेज आप यहाँ पे दे देते हैं, ताकि जब भी आप ट्रांजेक्शन करें उसके 30 डेज के बाद ही ड्यू डेट आपको शो करे। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफाई डिफॉल्ट सेल्स टाइप, अगर आप सेल्स टाइप वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इनेबल करके कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। अभी हमने क्योंकि सिंपल ट्रांजेक्शन करना सीखना है पहले, तो इसलिए हम अभी इसको सिंपल लेते हैं। अगर आप अपने जो सप्लायर्स हैं उनकी बैंक की डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ईजी रहे, आपके पास डिटेल्स रिकॉर्ड में रहेंगी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं सेव। जैसे ही आप सेव करते हो यहाँ पे आपके पास आता है यू हैव सेलेक्टेड टाइप ऑफ डीलर एज रजिस्टर्ड बट GST इज नॉट स्पेसिफाइड, डू यू वॉन्ट टू सेट टाइप ऑफ डीलर एज अनरजिस्टर्ड। क्योंकि देखिए मैंने अभी रजिस्टर्ड तो लिया है, क्योंकि मैंने इस पार्टी को रजिस्टर्ड ही बनाना है, मुझे इस सप्लायर को रजिस्टर्ड ही बनाना है, लेकिन GST नंबर मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको वही सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ जो जो मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या मिस्टेक की है। तो बिजी आपको हर एक पॉइंट पे वार्न करता है कि आपने ये चीज़ की है, तो अगर आपको ऐसा नहीं करके अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसको रजिस्टर्ड ही लेना है और GST नंबर मुझे बाद में डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपके पास वार्निंग आ जाएगी, यू हैव सेलेक्टेड टाइप ऑफ डीलर एज रजिस्टर्ड बट GST इज नॉट स्पेसिफाइड, डू यू वॉन्ट टू सेट टाइप ऑफ डीलर एज अनरजिस्टर्ड। तो इसलिए अभी मैं इसको अनरजिस्टर्ड के लिए येस नहीं करूँगी, मैं इसको नो ही करती हूँ, मैं इसको विदाउट लिए ही सेव करूँगी। तो आप इसको देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको नो कर रही हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट कर्सर GST नंबर पे लेके आ रहा है, और यहाँ पे GST नंबर पे लेके मेरे पास आ रहा है और विदाउट GST नंबर डाले ये मुझे सेव नहीं करने दे रहा, और मुझे ये भी कह रहा है कि अगर आपको सेव करना है तो फिर आप इसको एज अ अनरजिस्टर्ड डीलर करो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट करते हो और GST नंबर नहीं देते तो ऐसे आपका जो लेजर है वो सेव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे जो जो अभी मेरे पास आ रही हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अभी हम सेव करते टाइम
इसमें जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं, वैलिड जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं। ये मैंने एक जीएसटीएन नंबर ले लिया है जो कि वैलिड होगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसको अब हम करते हैं सेव। तो अब आप देखेंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हमारी जो हमारा मास्टर है वो हमारा सेव हो चुका है। तो ये मैंने एक अपने सप्लायर का मास्टर क्रिएट कर लिया है, एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपने कस्टमर साई ट्रेडिंग कंपनी, इसको मैंने बनाया है अपना डेटर, ये मेरा कस्टमर होगा। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स, ये आप ले लेंगे। उसके बाद इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसको भी आप टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड ले लेंगे। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड ले लिया है। फिलिंग फ्रिक्वेंटली अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं मेंटेन करनी मंथली इनका रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे नॉट नोन भी कर सकते हो, अदरवाइज मंथली भी ले सकते हो अगर आप एज अ मंथली ही रिटर्न्स को प्रिपेयर करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिल्ली का जीएसटीएन नंबर चाहिए होगा, क्योंकि दिल्ली में ही आप एक डेटर बना रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी बनाएंगे एंड सेम स्टेट में भी बनाएंगे, तो मैं एक एक सेम स्टेट के लिए बना रही हूँ और एक एक अदर स्टेट के लिए बनाऊंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डाल देंगे हम अपने जो पार्टी है उसका, 07 दिल्ली का स्टेट कोड है, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है और उसके बाद इसको डिटेल्स को आपने जो भी देनी है यहाँ पे आप दे सकते हैं। बैलेंसेस को यस करेंगे बिल बाय बिल, यहाँ पे डेज भी दे देते हैं 30 डेज। परचेज अगर आप नहीं करते तो आप क्रेडिट डेज फॉर परचेज ना भी दो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ डेटर है, सेल करते हो तो सिर्फ डेटर्स के लिए दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों जगह ही देना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लेके सेव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका सेव हो चुका है डायरेक्टली। ओके, उसके बाद एक एक पार्टी हम और बना लेते हैं जिसको हम अदर स्टेट का बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है पिक्सल ट्रेडिंग कंपनी, इसको मैंने लिया है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इसमें हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको रजिस्टर्ड ही लेंगे एंड इसका स्टेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने हरियाणा एक स्टेट ले लिया है, रजिस्टर्ड लिया है, जीएसटीएन नंबर डालूंगी, ये मैंने यहाँ पे जीएसटीएन नंबर ले लिया है और इसको मैंने एज इट इज लेके सेव कर दिया। परचेज के लिए 30 डेज फिक्स कर दिया है एंड इस पर एंटर एंटर करके मैं सेव कर देती हूँ। उसके बाद एक और पार्टी बना लेते हैं, वो भी हम अदर स्टेट का ही बना लेंगे। इसको मैं डेटर ले लेती हूँ यहाँ पे, अंडर सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे हम ले लेंगे। इसको भी मैं अदर स्टेट लेती हूँ, तो अदर स्टेट आप यहाँ पे हरियाणा ही ले लीजिए। यहाँ पे हम हरियाणा का जीएसटी नंबर ले लेंगे, AAACP0165G4ZQ, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे हम डिटेल्स ले लेते हैं, डेटर है तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए सेट कर देते हैं एंड इसको हम कर लेते हैं सेव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग मास्टर्स बना लिए हैं। अब मुझे अगर कोई एक्सपेंस का लेजर बनाना होगा तो वो मेरे को कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसा एक्सपेंस बनाना है जो मेरे पास इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, बिजी ने ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है एडवर्टीजमेंट सर्विसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये मैंने लिया यहाँ पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सपेंस हो जाएंगे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। आप यहाँ पे
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ बताएंगे कि अगर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो आप यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करवाएंगे। अगर आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करवाना है नॉट एप्लीकेबल करवाइए। नॉन जीएसटी के अंदर आते हैं वो एक्सपेंसेस तो नॉन जीएसटी ले सकते हैं। जस्ट आपको इन दोनों को लेने से रिपोर्ट्स में फ़र्क आएगा। अगर आप नॉन जीएसटी लेते हैं तो आपको जीएसटी में रिपोर्ट्स में नॉन जीएसटी के कॉलम में शो करेगी आपकी ये एक्सपेंसेस की रिपोर्ट। एंड अगर आप जीएसटी नॉट एप्लीकेबल लेते हैं तो इट मींस आपने जीएसटी इसमें एप्लीकेबल करवाया ही नहीं हुआ। ओके तो जैसे कि मैं यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करवा लेती हूँ, जीएसटी 18% मैं यहाँ पे लेती हूँ। सर्विसेज का एसएससी कोड अगर मैं लेना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। आईटीसी एलिजिबिलिटी, आपकी ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो इनपुट गुड्स हैं, इनपुट सर्विसेज हैं। आप यहाँ पे सर्विसेज लेते हैं तो इनपुट सर्विसेज आप ले लेंगे यहाँ पे। एंड रिवर्स चार्ज अगर अवेलेबल है तो रिवर्स चार्ज किस केस में अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। कंपल्सरी है, सर्विस इम्पोर्ट है, बेस्ड ऑन डेली लिमिट है, ये तीनों चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रिवर्स चार्ज के केस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो रिवर्स चार्ज अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जब रिवर्स चार्ज करेंगे मैं आपको उसका पूरा केस बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल करके एज इट इज लेके सेव करते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमने एक एक्सपेंस का भी मास्टर क्रिएट किया है। तो ये हमने कुछ मास्टर्स हैं जो क्रिएट किए हैं। अगर आपको एक बैंक का लेजर भी क्रिएट करना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे HDFC बैंक एक बना लिया है अपना बैंक, इसको लेके मैंने यहाँ पे अंडर बैंक अकाउंट लिया है एंड मैंने यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस ले लिया है 1 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस लिया है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ डीलर होगा रजिस्टर्ड ही होगा बैंक, तो यहाँ पे GST नंबर हम बैंक का भी ले लेंगे क्योंकि कई बार बैंक से भी जो हमें स्टेटमेंट्स मिलती हैं उस पर भी GST डिडक्ट होता है। जैसे कि बैंक चार्जेस जो होता है उसके ऊपर GST नंबर जो होता है वो GST जो होता है वो हमें डिडक्ट होके मिलता है। तो हम यहाँ पे GST नंबर लिख लेंगे बैंक का। ये हमने ले लिया है और इसको यहाँ से लेके हमने कर दिया है डायरेक्टली सेव। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर भी देना चाहते हैं बिल्कुल आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर पे आके डिटेल्स दे सकते हैं। ये बैंक अकाउंट नंबर आपने दिया और इसको कर दिया सेव। तो ये कुछ मास्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे बनाने होंगे। अगर आप यहाँ पे लिस्ट F5 प्रेस करते हैं, देखिए ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर आप यहाँ पे लिस्ट F5 प्रेस करते हैं तो आपके पास जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं, जितने भी लेजर्स बने हुए होते हैं वो आप सारे यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो ऑलरेडी आपके पास क्रिएट हो रखे हैं, आपने जो न्यू बनाए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। ओके तो यहाँ पे लिस्ट F5 से आपको लेजर जो है वो आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमें आइटम्स कैसे बनानी है, स्टॉक आइटम्स हमें कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मास्टर्स आइटम्स हम क्रिएट कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री आइटम्स हैं। यहाँ पे आप आइटम देख सकते हैं, आइटम पे आके आपको ऐड पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आप आइटम पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आइटम बनाएंगे, आइटम मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी बना ली है। अभी के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप, HP का लैपटॉप हम यहाँ पे बना रहे हैं एज अ आइटम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप, अगर आप कोई स्टॉक ग्रुप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जिनको टैली आती है उनको तो पता है स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं F3 स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए। F3 वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐड आइटम ग्रुप मास्टर आ जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगी स्टॉक ग्रुप के साथ क्रिएट करना। तो आप इसको डायरेक्टली ग्रुप जनरल ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बनाना भी है तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, यहीं पे F3 प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे आप लैपटॉप ग्रुप दे दीजिए, या आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे सकते हैं क्योंकि सभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक ग्रुप दे सकते हैं, एलियाज अगर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप प्राइमरी ग्रुप नेम अगर आप यस करना चाहते हैं इसको तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपने सिंपल इसको लेके एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ग्रुप यहाँ मेंशन हो चुका है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है। यूनिट्स आप ले लेंगे, यहाँ पे हम पीसेस में लैपटॉप्स लेंगे तो पीसेस आपने यहाँ लिया है। ओपनिंग क्वांटिटी अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स कैटेगरी डिफाइन करेंगे, GST 18%, HSN कोड डिफाइन करेंगे आइटम का,
सेल्स प्राइस अगर आप सेट करना चाहते हैं कि आप किस प्राइस पे सेल करेंगे तो वो आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 48,000 रुपीज़ ले लिया है। परचेज प्राइस क्या है, 42,000 रुपीज़ मैंने परचेज प्राइस लिया है। एमआरपी प्राइस कितना है, 45,000 रुपीज़ एमआरपी प्राइस है। एमआरपी प्राइस हम ले लेते हैं 48,000 रुपीज़, और यहाँ पे सेल्स प्राइस जो है वो हम ले लेते हैं 46,000 रुपीज़, और परचेजिंग प्राइस है हमारा 42,000 रुपीज़। मिनिमम सेल्स प्राइस कितना है, आप इतने से नीचे में सेल नहीं कर पाएंगे अगर आप वो सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 45,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप मिनिमम सेल्स प्राइस सेट कर सकते हैं। इससे मिनिमम अगर आप सेल्स प्राइस देंगे तो आपको वार्निंग मिलेगी कि आप जो मिनिमम बैलेंस आपने सेट किया है उससे कम में सेल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत होती है कि हमें मिनिमम सेल्स प्राइस सेट करना है, ताकि कोई भी हमारा जो स्टाफ है वो कोई भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ना कर दे जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हो। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे टैक्स इंक्लूसिव सेल्स प्राइस, अगर आपने इसको भी इनेबल करना है, इंक्लूसिव सेल्स प्राइस आपने टैक्स को इंक्लूसिव करके लेना है, तो आप इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसको नॉर्मल ही रखना है, कोई स्पेशली सेल्स परचेज वाउचर टाइप नहीं लेना, तो आप इस पे एंटर कर सकते हैं। सेल्स डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे आप डिस्काउंट सेटअप कर सकते हैं। स्पेसिफाई सेल्स डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप सेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिंपल आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें स्टॉक परचेज करना होगा, अपनी स्टॉक समरी लेके आनी होगी, तो इसलिए हम सिंपल अभी इसको लेके सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफाइन क्रिटिकल लेवल्स आपको मिनिमम रीऑर्डर लेवल के लिए यहाँ पे शो करेगा। तो अभी रीऑर्डर लेवल आप अभी नो कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे। अभी मैंने कोई रीऑर्डर लेवल सेट नहीं किया है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट एक आइटम ले ली है, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट आइटम मैंने ली है, तो वॉशिंग मशीन जो मैंने ली है उसको भी मैंने ग्रुप दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेज ले लिया है इसको भी, यहाँ पे मैंने एचएसएन कोड दे दिया है, जीएसटी रेट सेट कर दिया है, एचएसएन कोड दिया है, सेल्स प्राइस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, परचेज प्राइस मैंने यहाँ पे ले लिया है, एमआरपी प्राइस मैंने लिया, एंड मिनिमम सेल्स प्राइस मैं यहाँ पे दे देती हूँ 24,000 रुपीज़। ओके, तो ये हम यहाँ पे मिनिमम सेल्स प्राइस सेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने और कोई भी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल इसको सेव कर रही हूँ। मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, इनका यूज़ भी हम करेंगे। एंटर करेंगे आप यहाँ से और इसको कर देंगे सेव। ओके, तो ऐसे करके आप अपने जो भी आइटम मास्टर्स हैं वो आप क्रिएट करते हैं। एंड अगर आप कोई टाइप की सर्विसेज देते हैं जिनके लिए आपको आइटम्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप सेल्स एंड परचेज वाउचर करेंगे तो वहाँ पर आपसे स्टॉक आइटम पूछेगा, बट अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उस केस में आपको आइटम्स में यूनिट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिपेयरिंग सर्विसेज ऑफ वॉशिंग मशीन, यहाँ पे मैंने एक सर्विस बना ली है, सिंपल वर्ड्स में बनाई है ताकि आपको समझ आए इजीली। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। यूनिट्स में हमें यहाँ पे कोई यूनिट नहीं देनी, नॉट एप्लीकेबल आपने करना है, क्योंकि आपने सर्विसेज में कोई यूनिट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सर्विसेज को क्वांटिटी में मेज़र नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम जीएसटी रेट इस पर भी सेट कर देते हैं सर्विसेज पे, एसएससी कोड आप यहाँ पे दे देंगे, एंड इसमें भी आप सेल्स प्राइस को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आप सर्विसेज हैं वो कितने का प्राइस आप देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एंड सिंपल आपने इसको लेके सेव कर लेना है। ये देखिए, एज अ सर्विसेज आप ले रहे हैं तो आपको इसमें सेल्स प्राइस अगर देना चाहते हो कि ये जो सर्विसेज का प्राइस है वो हम यहाँ पे इतने का ही रखते हैं, अदरवाइज़ अगर ये डिफरेंट होती है हर टाइम तो आपको यहाँ पे सेल्स प्राइस भी सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो ऐसे करके हम अपनी आइटम्स क्रिएट करते हैं। मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं जो जो भी आइटम्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं। अभी मैंने ज़्यादा कुछ आइटम्स क्रिएट नहीं किए हैं, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे बताया है कि आइटम्स आपने क्रिएट कैसे करनी है। जब हम ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो वहाँ पर शॉर्टकट की से भी आपको बताऊँगी कि आइटम्स कैसे क्रिएट करेंगे, लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, मास्टर्स हमें कैसे क्रिएट करने होंगे, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मास्टर्स। तो अभी के लिए आप इतना ही सीखिए, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग मास्टर्स एंड स्टॉक मास्टर्स में, आइटम मास्टर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास होते हैं, एंड किन किन ऑप्शंस का यूज़ हम ट्रांजेक्शन्स में कर सकते हैं।
ओके, तब तक के लिए इतना करके देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.